आईसीडीएस हो, वो एग्रीकल्चर हो, हम बच्चों के विकास कर रहे थे, हम महिलाओं के विकास कर रहे हैं, हम अपने वृद्धजनों के विकास कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे कि जितने पॉपुलेशन है ब्लॉक चतरा में उनके विकास की बात कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि विभाग यदि अलग अलग काम करेगा तो ये कतई संभव नहीं है, हम इसको 2050 तक भी एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल नहीं बना पाएंगे। ये संभव तभी है जब हमारे विभाग में जो संसाधन है, जो स्कीम्स है, जो पॉलिसीज है, हम उन सबका समागम कर पाए, हम ये बता पाए कि हमारे ये संसाधन है जो उस विभाग को काम आ सकता है और उस विभाग के पास जो संसाधन है वो हमारे काम आ सकता है। तो कंधे से कंधा मिलाकर यदि काम करेंगे, अकेलेपन में काम नहीं करेंगे, तो हम सबसे पहले 68 ब्लॉक है, 68 ब्लॉक्स हैं पूरे एस्पिरेशनल यूपी में, और आप पैन इंडिया देखेंगे तो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है, सर ने हमारा भी नाम लिया ब्राह्मण फाउंडेशन का, जो हमें बहुत मोटिवेट करता है कि अब हम इस अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक में हम अपनी कितनी फोर्स लगा दें और जिस भी जो भी हमारे पास जो भी संभव हमारे तरफ से प्रयास जाने हैं, नॉट ओनली इन हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई एवरी डिपार्टमेंट वी आर रेडी टू शोल्डर ईच वन ऑफ यू। और इसी क्रम में मैं भूल गई एक बहुत ही